जंग के बीच अब खुले तौर पर इसराइल पर हमले शुरू हो चुके हैं। बीते दिनों नेतन्याहू के घर पर हुए हमले से ये बात साफ हो गई कि ईरान की तरफ से अटैक अब रुकने वाला नहीं है। वहीं इजरायली पीएम पर खतरा बढ़ चुका है और उम्मीद है कि एक बार फिर हिजबुल्ला हमलावर हो सकता है, क्योंकि इजरायल के हमलों का बदला अब ईरान लेगा और चुप नहीं बैठेगा। वहीं बताते चलें कि पीएम नेतन्याहू के घर पर हुए हमले के पीछे एक खास यूनिट थी हिजबुल्ला की ओर से। इन यूएवी को यूनिट 127 ऑपरेट करती है। ये हिजबुल्ला के हवाई डिवीजन के तहत संचालित होता है। इस यूनिट ने ड्रोन लॉन्च में काफी सफलता भी पाई है। इस यूनिट से जुड़े लड़ाकों ने ईरान के कुदस फोर्स से ट्रेनिंग ली है। हाल के वर्षों में हिजबुल्ला की इस यूनिट ने लेबनान की बेका घाटी से अतिरिक्त स्थानों तक बड़े ड्रोन के लिए अपने भंडारण स्थलों, लॉन्चरों और रनवे का विस्तार करने में कामयाबी हासिल की। आवाज के तब छोड़े गए ड्रोन के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ये हमले उन्हें रोक नहीं सकते और जब तक इसराइल को जीत नहीं मिल जाती तब तक वो हमास के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने आगे कहा है कि हमने हमास के नेता यहया सिनवार को मार दिया। मैंने कहा कि हम फिर खड़े होने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और अंत तक आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।